वेलकम टू माय ब्लॉग, सभी को मेरा नमस्ते। और हम लोग सनी सिग्नापुर मंदिर का पिछले ब्लॉग में मैंने आपको कुछ अंश दिखाए थे, लेकिन अब पूरे तरह से दिखाऊंगी। तो हम सनी सिग्नापुर मंदिर में प्रवेश करते हैं और हम जो सामान लेकर आए हैं दुकान से, वो सामान हम उनके सामने उनको अर्पण करते हैं। तो इसमें है सरसों तेल और जौ, जो कि धान की तरह दिखाई देती है, वो भी चढ़ाना है। और काली तिल, काली चीज़ों का दान शनि देव महाराज को बहुत पसंद है, तो वो चीज़ें हम दान कर रहे हैं यहाँ पर, उनको चढ़ा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइन से। इसी प्रकार जब हम लाइन में आगे बढ़ते हैं तो हमें दूर से शनि भगवान की शिलाखंड या विग्रह दिखाई देता है, तो वो हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और उनके पास जाके यदि आप उनका पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको 500 रुपये का चार्ज देना होगा, तो आप वहाँ जाके दर्शन कर सकते हैं। हमने शनि भगवान के दर्शन किए और अपने नंबर आने का इंतज़ार करने के बाद किए। इसके बाद उनसे प्रार्थना की कि वो हमारे ऊपर आने वाली सारी समस्याओं को ख़त्म करें और हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें। इसी आशा के साथ हम उनके विग्रह को निहार रहे हैं। और हमें जैसा कि जहाँ से हमने दुकान से सामान लिया था उन्होंने बताया था कि दर्शन करने के बाद दोबारा हमें मुड़कर नहीं देखना है, तो यहाँ हमने उनकी चरण पादुका के दर्शन किए और शनिदेव भगवान के भी बहुत देर तक दर्शन किए, क्योंकि हमें फिर दूसरा मौका पता नहीं कब मिलता है, इसलिए हमने रुककर थोड़ी देर वहाँ दर्शन किए। और हम आगे की ओर बढ़ने लगे तो मंदिर प्रांगण बहुत ही सुंदर था, तो हम वो भी देखने लगे। इसके बाद प्रसाद वितरण के लिए आपको वहाँ पे एक शॉप टाइप है जो मंदिर की तरफ से ही है, ट्रस्ट की ओर से है, तो वहाँ से अब हमको प्रसाद लेना होता है, तो वहाँ से हमने प्रसाद लिया और आगे की ओर बढ़ गए। फिर हमने ये मंदिर के साइड से जो व्यू है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर कलर में यहाँ पर कलाकृति भी बहुत सुंदर सुंदर बनी हुई है, तो सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी पिक ले रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी ले लेते हैं। तो अभी हम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और अब हम मंदिर के प्रांगण के और जो बाहरी बनावट है वो देख रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर है और कितना ऊंचा टावर जैसा बना हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और पत्थर की कारीगरी है तो और ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो हम सभी लोग रुक रुक कर ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी हैं, जिनको हम यादों के रूप में सजाकर अपने साथ ले जा सकें और आपको भी दिखा सकें। मैंने कैप लगाई है तो मेरे बाल बिगड़ चुके हैं पूरी तरीके से। ये शनिदेव भगवान की प्रतिमा बनी हुई है, तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो हमने सोचा कि आपको भी हम ये दिखाएँ। यहाँ पर पूजन व्यवस्था बहुत अच्छी है, आपको लाइन से जाना होता है। ये मेरे पीछे जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये बहुत सुंदर कारीगरी है, देखने योग्य है, इसको तो देखना ही चाहिए। शनिदेव महाराज के बारे में ऐसे कहते हैं कि उनको तेल तभी से चढ़ाया जाता है जब हनुमान जी ने उनका अभिमान खंडन किया था, और फिर बाद में उनको इतनी चोटें आई थी तो उनको तेल लगाया था, तो तभी से सभी लोग शनिदेव भगवान को तेल देते हैं और ताकि उनको राहत मिले और वो हम पे प्रसन्न हों। ये देखिए मंदिर बहुत सुंदर है, आप जहाँ देखेंगे वहाँ अच्छा लगेगा, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे लगे हैं यहाँ पर। मंदिरों के स्तंभों के साथ हमने कई फोटोज़ ली, वीडियो बनाए और उसको फुल एंजॉय किया। और काफ़ी ठंडक थी इस मंदिर में, बाहर इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मंदिर में बहुत ठंडक थी। फिर हम मंदिर से बाहर निकले, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई कि हमने चप्पल नहीं पहन रखी थी, हमने गाड़ी के वहीं उतार दी थी, क्योंकि वहाँ पे जो दुकानदार थे उनने ऐसा बोला था कि आप ऐसे ही चले जाइए बिना चप्पलों के, तो हमारे पैर इतने जल रहे थे। फिर भी मैंने मार्केट में रुक कर थोड़ी देर ये वीडियो बना ली। ये देखिए लकड़ी का सामान है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, ये पर्स वगैरह हैं, यहाँ पे हाथ का काम ज़्यादा किया हुआ है, बटन और कई प्रकार की लकड़ी की चीज़ें हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद हम वहाँ से आ गए हमारे रूम पर और फिर हमने आराम किया, नए सफ़र की तैयारी की। सभी को राधे राधे।